क्या हुआ जब अचानक रात के 12 बजे दो काली भयंकर शक्तियां राम मंदिर के सामने आकर खड़ी हो गई? ये देख लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और आपको भी ये जानकर होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी साक्षात सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जो हाल फिलहाल में ही अयोध्या नगरी में घटित हुई है। ये सच है कि जहाँ राम जी का मंदिर हो और श्री राम जी का वास हो और वहाँ हनुमान जी का पहराना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जहाँ हनुमान जी का पहरा हो वहाँ काल भी आने से बहुत डरता है। और आज जब आप ये सच्ची घटना जानोगे तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास हनुमान जी पर दोगुना हो जाएगा। तो पूरी सच्चाई जानने से पहले, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, प्रभु श्री राम और बजरंग बली को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंग बली अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस काली खतरनाक शक्तियां की सच्चाई बताने के बाद यह भी बताएंगे कि कैसे तैयार हुई थी रामलला की इतनी दिव्य आंखें। तो आइए शुरू करते हैं उन दो काली खतरनाक शक्तियां की सच्चाई। बात उस समय की है जब शाम के 4 बज रहे थे, ठंड का टाइम था और शाम को ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी, शायद मौसम बदलने का संकेत दे रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे ठंड के साथ साथ मौसम में भी बदलाव हो रहा था। रात के 8:30 बजे का समय था। आसमान में बादल उमड़ने लगे थे, शायद बारिश आने वाली थी। समय बीत रहा था, हवाओं ने भी अपनी गति तेज कर दी थी। मौसम में बदलाव आते आते रात के 10 बज चुके थे, तब तक थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। लोग घरों में सोने की तैयारी में थे। रात और भी गहरी काली होती जा रही थी। अयोध्या वासियों की ओर से मोहल्ले और नगर की हर गली गली में दो व्यक्ति पहरा देने के लिए भी निकल पड़े थे, क्योंकि हर रात पहरा लगता था। लेकिन उस दिन की रात कुछ और ही थी। उन पहरेदारों के लिए हुआ कुछ यूं कि उस काली रात में सब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे और वो चौकीदार लोग पहरा दे रहे थे। चौकीदार लोग चलते चलते वो अयोध्या के बाहर की साइड चले गए जहां से अयोध्या की सीमा शुरू होती है। इतने में धीरे धीरे बारिश और भी तेज हो गई, तो वो दोनों तेज बारिश होने की वजह से वहां एक बंद चाय की टपरी थी, तो वे दोनों वहीं बैठ गए। इधर उधर से टपरी के नीचे से सूखे कागज और कुछ सूखी पराली इकट्ठा करके तितूरती ठंड में आग जलाकर आग तापने लगे कि अचानक से जोर से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ इतनी जोर की बिजली चमकी कि वो दोनों चौकीदार सहम से उठे। अचानक से उन्होंने उस बिजली की रोशनी में कुछ देखा कि जैसे मानो कुछ काले रंग जैसा धुआं उठ रहा हो और अयोध्या की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उन दोनों को लगा कि शायद कुछ यूं ही होगा, वो भी मौसम की वजह से। लेकिन उन्हें क्या पता नहीं था कि क्या अनहोनी होने की संभावना हो रही थी। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आपस में दोनों बातें करते रहे। फिर से अचानक जोर से बिजली चमकी। इस बार तो इतनी जोर से बिजली खड़की मानो बिजली धरती को छू गई हो और बादल फट गए हो। घरों में सो रहे लोग भी अचानक से डर कर जाग गए। क्या हुआ? इधर दोनों चौकीदारों की धड़कने बढ़ने लगी और उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक से उनमें से एक चौकीदार की नजर फिर से उसी तरफ चली गई कि अचानक से उसने देखा कि वो ही काला धुआं सा फिर से उठ रहा है। उसने उस दूसरे चौकीदार को बताया कि वो देखो क्या हो रहा है। उन दोनों ने देखा कि वो धुआं बार बार से कोशिश कर रहा था आगे बढ़ने की, लेकिन एक झटके के साथ ही वापस से बेक हट जाता है। दोनों लोग देखकर हैरान हो गए और उनको सब समझ में आने लग गया था कि माजरा क्या है। रात के 12 बजे का समय था। दोनों ने देखा कि वो काला धुआं अब साफ हो रहा था। वो काला धुआं कोई और नहीं बल्कि काली शक्तियां थी जो नगर अयोध्या में प्रवेश करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उनमें कुछ काली शक्तियां भूत प्रेत जैसी छवियां बनकर साफ उभरने लगी थी। वो काली शक्तियां अपने असली स्वरूप में आ रही थी। तभी फिर से बिजली चमक उठी और चौकीदारों ने देखा कि सामने एक अद्वितीय सुनहरा सा चमक रहा था। वो समझ गए कि हो ना हो ये प्रभु श्री राम जी का ही तेज था, लेकिन उनको क्या पता कि राम जी तक बात आने से पहले ही हनुमान जी बीच में आ जाते हैं। और हुआ भी कुछ यूं ही, उस तेज ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया तो उन काली शक्तियां ने भयंकर आवाज के साथ चीख मारी। जैसे ही उस तेज ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया वैसे ही उन काली शक्तियां में मानव खौफ आ गया हो और आवाज सुनाई पड़ी, चाहे कितना भी रोक लो हमें अयोध्या में प्रवेश करने से, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इधर से उस तेज ने राम जय श्री राम नाम का जैसे ही उच्चारण किया तो पता चला कि वो द्वितीय प्रकाश कोई और नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी ही है जो उन काली शक्तियां को अयोध्या नगरी में प्रवेश करने से रोक रही थे। राम भक्त हनुमान डटकर मुकाबला कर रहे थे और साथ ही उन विनाशकारी शक्तियां को चेतावनी भी दे रहे थे कि मेरे होते हुए मेरे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। वो काली शक्तियां रोने लगी और हनुमान जी से माफी मांगने लगी कि हनुमंत हमें छोड़ दीजिए,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।